ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश ने फिर भरी हुंकार। मध्य प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। विभिन्न मांगों को लेकर सीएम हाउस और राजभवन का किया घेराव। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। विभिन्न मांगों को लेकर के ओबीसी नेता दामोदर यादव के नेतृत्व में 27 फरवरी को दतिया से भोपाल के लिए कूच करेगी ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश की पूरी टीम। मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने, पिछड़ों और राजनैतिक आरक्षण देते हुए लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करने, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराने एवं किसानों की कर्ज माफी जैसी कई मांगों को लेकर ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। यह यात्रा के दूसरे चरण में ओबीसी नेता दामोदर यादव के नेतृत्व में 27 फरवरी को दतिया जिले से भोपाल के लिए यात्रा कूच करेगी। 3 दिन की यात्रा के दौरान करीब 1.5 दर्जन सभाएं भी होंगी, जिसमें जन समर्थन जुटाने के लिए दामोदर यादव ने लोगों से अपील की। यात्रा विभिन्न विधानसभाओं से होते हुए 29 फरवरी को भोपाल के तुलसी नगर के अम्बेडकर जयंती मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगी। धीरे धीरे यह सभा क्रांतिकारी आंदोलन में बदल जाएगी। सभा के बाद यह आंदोलनकारी यात्रा सीएम हाउस को विभिन्न मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कराने रन करेंगी, जहां ज्ञापन देने के बाद यात्रा राजभवन पहुंचेगी। आपको बता दें कि ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के तत्वावधान में यात्रा निकाली जा रही है। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है। इस दौरान यात्रा 14 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची थी और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति आगाह किया गया था। श्री यादव ने बताया कि हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव मांगों पर विचार करेंगे। 27 को हम फिर से दतिया से कम 100-200 वाहनों से निकलेंगे और रास्ते में लगभग 15 सभाएं आम सभाएं करते हुए भोपाल 29 तारीख को पहुंचेंगे। प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है, सरकार को अवगत करा दिया, मुख्यमंत्री के पीए सेक्रेटरी और सबको अवगत करा दिया है। हम 29 तारीख को भोपाल पहुंचे, हमारी यात्रा भोपाल पहुंचे उसके पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें। कम से कम जातिगत जनगणना की तो घोषणा तत्काल कर ही सकते हैं, उनके हाथ में है। अन्यथा हम यहाँ पे जयंती पार्क में पहले जयंती मैदान में सभा करने वाले हैं सेकंड स्टॉप पे, और उसके बाद पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर राजभवन की तरफ भी कूच करेंगे। साथ ही श्री यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछड़ों के असली हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे 5 सवाल पूछ रहा हूँ। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय सरकार में ओबीसी में कितने सचिव थे? दूसरा सवाल, 2014 तक आपकी पार्टी की सरकार 50 वर्ष रही, फिर भी पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय क्यों नहीं बनाया गया? तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि कांशीराम एवं मुलायम सिंह के राजनैतिक उदय से पूर्व आपने कितने प्रतिशत केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के बनाए? चौथा सवाल, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी ने कितने प्रतिशत टिकट ओबीसी को दिए? पांचवा सवाल, आपकी पार्टी ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है तो क्या आप आगामी चुनाव में इसका बहिष्कार करने का साहस जुटाएंगे? अगर चुनाव लोकसभा ईवीएम से कराए जाते हैं तो क्या इसका बहिष्कार करेंगे? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो ओबीसी की वकालत करने का ढोंग बंद करें और ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश आपकी यात्रा का खुला बहिष्कार करेगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।